नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो वहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह रावत सरकार में हो रही बयानबाजी को लेकर कहा कि प्रदेश में इस समय विपक्ष हमलावर है, इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। बता दें कि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मामले की SIT जांच चल रही है और जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि तीरथ रावत ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम उन्हीं के चेहरे पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खुद को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि क्या पता हमको जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं और उसी हिसाब से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अरे भाई, आज ही कहाँ से तो रोज ही पसीना आ रहा है। यहाँ तो काफ़ी दिन से गर्मी है, काफ़ी दिन से पसीना है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो गर्मियाँ आएंगी, राजनीति गर्मी आएंगी। नहीं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी जो समय बीच में बचा हुआ है उसमें और बेहतर करेंगे। ऐसी मेरी ऐसा है कि आपने ये कैसे मान लिया कि फर्जीवाड़ा हुआ है? अभी जांच चल रही है, जांच में सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, इसलिए जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहिए। विपक्ष जो बोल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए SIT गठित की है, SIT काम कर रही है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। चुनाव आयोग का ये अधिकार है, वो चाहे तो चुनाव करा सकता है। ये चुनाव आयोग को ही इस पर निर्णय करना है, उसमें हम लोग कोई दखल नहीं कर सकते हैं। ये सब चल रहा था पर पंडित जी ने कहा था कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। जब हमारा देश एक है तो एक प्रधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए। आज जब पंडित जी का बलिदान दिवस है और ये ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को धारा 370 समाप्त करके और उनको एक तरह से हृदय से श्रद्धांजलि दी है, इससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी शहीद के लिए जिसने देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और कुछ हो नहीं सकता था। आज पूरा देश एक है, एक संविधान है, वहाँ की नागरिकता उसको मिलेगी और वहाँ पर जो हिंदू थे उनको वहाँ पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे राशन की सुविधा है, अब उनको राशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो सारे देश में जो व्यवस्था चल रही है अब वहाँ पर भी वो शुरू हो गई है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।